Hello everyone, welcome back to Akanchada Explorer in another Amazon Festival Haul. So, आज इसके हॉल में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थ्री पीस सूट जो कि मैंने Amazon में चल रही सेल से परचेज किया, बिकॉज अक्टूबर आते ही ना जो हम लोग के फेस्टिवल वो आने लगती है और हमें लगता है कि क्या क्या ना हम इस फेस्टिवल में परचेज करें, स्पेशली लड़कियों सिर्फ कपड़ों के लिए आई थिंक जाती हूँ, मुझे भी सिर्फ कपड़ों का ही बड़ा शौक है। तो मैंने भी इस बार Amazon में चल रही सेल से जो कि आपकी 8 अक्टूबर टू आई थिंक 14-15 अक्टूबर तक चलने वाली है, अभी भी चल रही है, तो उससे मैंने कुछ थ्री पीस सूट पिक किए हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिसमें थ्री पीस सूट हैं जो 800 रुपीज़ के अंडर होने वाले हैं, एक सूट है जो आपका 1000 रुपीज़ का होने जाना वाला है। सो कैन नो मैं चैनल प्रेस द बेल आइकन, देन यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल अपकमिंग न्यू वीडियोस। सो नाउ वेस्टिंग मोर टाइम, पहले मैं जो ना आपके साथ शो शेयर करने वाली हूँ वो है ये, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये रेड कलर में, बिकॉज मेरे पास रेड कलर का कोई भी सूट नहीं था, तो आई डिसाइडेड दिस टाइम कि मुझे एक रेड कलर का सूट चाहिए, तो मैंने ये रेड कलर की कुर्ती ली, जिसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इसमें ओवरऑल कुर्ती में फ्लोरल प्रिंट आपको इस तरह से ओवरऑल कुर्ती में इस तरह से देखने को मिलने वाला है, ये आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर कलर की बात करें तो इसमें रेडिश मैं कह सकती हूँ और पिंक कलर से इसमें पूरा फैब्रिक आपको ये मिलेगा। देन यहाँ पे अगर डिटेलिंग की अगर हम बात करेंगे तो फ्रंट में राउंड नेक की डिटेलिंग आपको मिलती है, देन यहाँ पे फ्रंट में कुछ इस तरह से पोटली वाले बटन की आपको इसमें डिटेलिंग मिलने वाली है। देन स्लीव्स की बात करें तो 3/4 स्लीव्स आपको मिलती है, जिसमें आई थिंक ये फैब्रिक जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसके आपको उसमें डिटेलिंग मिलती है इसके जो फैब्रिक की अगर बात करें। एंड देन अगर हम इनर की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक होगा जिसमें यूज़ किया गया है, देन अंदर भी आपको इसमें इनर की डिटेलिंग मिलती है, बट इनर जो है ये कॉटन फैब्रिक का नहीं यूज़ किया गया है, इनर जो है आपका टेरिकॉट कपड़े का यूज़ किया गया है जो कि पहनने में बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है। तो इस साइज़ की अगर बात करें तो मैंने इसे स्मॉल साइज़ लिया है, ये आप देख सकते हो स्मॉल साइज़ है। ब्रांड की अगर बात करें तो गो सिल्की की मैंने काफ़ी सारे सूट या कुर्ती वगैरह यूज़ की, इससे पहले मैंने मिंत्रा से सेम ब्रांड के कपड़े लिए थे। हम इसके बॉटम की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये आई थिंक कॉटन और ब्लेंड फैब्रिक में आपको ना इसका जो बॉटम है वो आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से, इसमें वेस्ट में आपको इलास्टिक की डिटेलिंग मिलती है जो कि आपको वेस्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, और लेंथ वगैरह जो है काफ़ी अच्छी थी, विड्थ वगैरह भी काफ़ी अच्छी स्मॉल साइज़ के साथ ही, बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है जो स्मॉल साइज़ होते हैं वो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाते हैं, तो आपको अच्छा सा इसमें यहाँ पे विड्थ वगैरह आपको मिलती है जो आपको अच्छी फिटिंग देता है, तो इसकी अच्छी फिटिंग है। देन यहाँ पे साइड में आपको ना पॉकेट की डिटेलिंग इसमें मिलती है, और यहाँ पे अगर दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये दुपट्टा आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे से सॉफ्ट जैसे दुपट्टे के फैब्रिक वगैरह होते हैं ना, शिफॉन जो सॉफ्ट वाला होता है उस फैब्रिक में आपको ये दुपट्टा आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। लेंथ जो है पूरी फुल आपको 2 मीटर आई थी इसकी लेंथ मिलती है। देन यहाँ पे आपको साइड में ना रेड कलर से ही आपको लेस की पूरी यहाँ पे डिटेलिंग इसमें मिलने वाली है, और मुझे जो इसकी फिटिंग है काफ़ी अच्छी आई थी, कुर्ता जो थोड़ा सा लूज था आई थिंक स्मॉल होने के बावजूद भी ना ये जो सूट है थोड़ा सा एक नंबर मुझे बड़ा ही लग रहा था, बट ओवरऑल अगर लुक वाइज बात करें तो सूट बहुत अच्छा है, बट अगर आप प्योर कॉटन के फैब्रिक का यूज़ करते हैं और अगर आप कोई और अगर फैब्रिक सूट नहीं करता है तो बिकॉज मैं कॉटन के अलावा और कोई फैब्रिक नहीं पहन पाती हूँ, तो मुझे इसका जो इनर है वो टेरिकॉट कलर का, जिस वजह से मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ। एंड अगर मैं अब इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा था आई थिंक 749 या 779, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर है, प्लस सभी सूट्स के जो लिंक के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इट इज़ ऑल अप टू यू। बट हाँ अगर हम अगर विंटर की बात करें, विंटर में तो हम इस तरह के सूट्स पहन सकते हैं, तो विंटर को देखते हुए मैं इस तरह के सूट पहन लेती हूँ, हाँ समझ में इस तरह के सूट आपको थोड़े से दिक्कत देने वाले हैं, शेयर करने वाली हूँ वो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ मैंने लिया है, ये आप देख रहे हो कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा ये सूट है, लुक वाइज आप यहाँ पे देखेंगे। एंड देन ओवरऑल मुझे जो इसका जो सूट जो मैंने ये ऑर्डर किया था ना इसकी इस डिज़ाइन को देख के मैंने ऑर्डर किया था, एंड सीरियसली दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल है, अगर आप ये देखें क्लोजअप आ गए थे आप देखोगे फ्रंट में कुछ इस तरह से आपको ये गोल्ड वाले थ्रेड या जरी वर्क जो होता है शायद महीन वाला या थ्रेड है, नहीं नहीं गोल्ड वाले थ्रेड वर्क से इसमें आपको इसमें वर्क किया गया है, महीन से सितारे आपको देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे आप जो एक रेशमी साड़ी वगैरह जो चलती थी उसी में ओवरऑल आपको ये फैब्रिक मिलता है, ये देख सकते हैं पिंक कलर का, इसमें भी ये भी आपका कॉटन और ब्लेंड मिक्स फैब्रिक आपको इसमें मिलता है। डिटेलिंग पे और जाएंगे तो यहाँ पे राउंड नेक की डिटेलिंग मिलती है, 3/4 स्लीव्स आपको मिलती है कुछ इस तरह से, प्लस इसके साथ आपको इसमें ना इनर की डिटेलिंग मिलती है, तो ये आप देख सकते हो इनर भी इसका भी आपको ना ये
कॉटन एंड टेरिकॉट मिक्स फैब्रिक में आपको इसमें इनर की डिटेलिंग मिलेगी। देन यहाँ पे वेस्ट पे अगर आप देखोगे तो जो डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो वो वेस्ट ये वाली डिज़ाइन, ये डिज़ाइन जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी सी लग रही थी, इस वजह से मैंने इसे लिया। तो वेस्ट में काफ़ी ऐसी चुन्नट वाली आती है जिसकी वजह से आपका जो यहाँ पर जो लुक है थोड़ा सा डिफरेंट दिख देता है, इस वजह से मैंने इस कुर्ती को लिया। बट इसके साथ क्या है ना, इसके साथ जो आ रहा है वो है कुछ, अगर दुपट्टे की बात करें ना तो मुझे दुपट्टा थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, बहुत ही स्लिपरी दुपट्टा है, पता नहीं कौन सा ऑर्गेंजा या कौन सा फैब्रिक है, आई डोंट नो, बट ये जो दुपट्टा है बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है आप अगर इसे देखोगे तो। बट दुपट्टे में जो है प्रिंट वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये आप देख सकते हो। बट हाँ, अगर आपको मतलब सूट अच्छा मिला है तो दुपट्टा कुछ इस तरह से मिला तो कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। बट ये जो सूट है बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो और ये दुपट्टा है आपको जिस तरह से मिलता है जिसमें ओवरऑल आपको प्रिंट आपको इस दुपट्टे में मिलेगा। साइज़ जो दुपट्टे की बात करें तो आई थिंक ये 1.5 मीटर ही इसका साइज़ होगा। देन हम अगर इसके बॉटम की बात करेंगे, बॉटम पर अगर मैं जाऊँगी तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लेगिंग आपको इसके साथ मिलती है। अगर लेगिंग की फैब्रिक की बात करें तो बहुत ही खराब इसका फैब्रिक आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हो। ट्रांजी फैब्रिक में आपको ये लेगिंग आती है। देन लेगिंग की फिटिंग वगैरह भी कुछ खास नहीं थी। बट इस सूट में जो सेकंड वाला जो मैंने आपको दिखाया, इसमें जो मुझे सबसे प्यारा लगा उसका इसका अपर यानी कि इसका जो कुर्ता था वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। बट हाँ, आप इसे रख सकते हो क्योंकि मुझे कुर्ता पसंद है, तो मैंने सोचा है कि मैं इस कुर्ते के साथ ना जो बॉटम है वो कुछ अलग से नया पिक कर लूँगी, और अदरवाइज मेरे पास पिंक कलर की लेगिंग है तो मैं इसमें वो मिक्स मैच करके पहन लूँगी। तो मुझे कुर्ता जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट लेगिंग एंड दुपट्टे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। इसका भी जो लिंक है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट सूट की बात। जो नेक्स्ट सूट है वो आप ये देख सकते हैं, कुछ ये ग्रीन कलर का सूट आपको मिलता है जिसे मैंने पहना हुआ है। इसमें भी कुछ गोल्ड कलर के थ्रेड से है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड कलर के थ्रेड से आपको इसमें भी वर्क मिलेगा, एम्ब्रॉयडरी वर्क विद इसमें भी गोल्ड वाले जो मेन से सितारे होते हैं वो मिलेंगे। स्लीव्स पर भी कुछ इसी तरह से आपको ना इसकी ये डिटेलिंग मिलेगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह से बॉर्डर में वर्क मिलेगा। 3/4 स्लीव्स के साथ ये आ रहा है, कॉटन ब्लेंड फैब्रिक मिलता है। 3-पीस सेट है ये सभी जो मैंने दिखाए, स्ट्रेट कुर्ता ये आपको मिलता है विद अ प्लाजो। तो प्लाजो की अगर डिटेलिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से ये भी आपको कॉटन एंड ब्लेंड फैब्रिक में दिखता है। जो प्लाजो का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक आपको ये देता है, ये आप देख सकते हैं प्लाजो। इसमें भी ना आपको वन साइड आई थिंक पॉकेट की सेट दिखा, यस इसमें भी ना आपको वन साइड पॉकेट की डिटेलिंग मिलती है। बट इसके साथ इसने मुझे क्यों डिसअपॉइंट किया, बिकॉज इसमें जो बॉटम है ना वो स्मॉल साइज, जैसे कि मैंने आपको पहला वाला दिखाया वो भी स्मॉल साइज था रेड वाला, तो उसका जो बॉटम था वो मुझे बहुत अच्छे से फिट आया था। बट इसका जो बॉटम है ये बहुत ज़्यादा पर किसी तरह से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया था। प्लस कुर्ता भी जो है ये ना, ये अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फिटिंग का है ये, जैसे कि मैंने स्मॉल साइज में हमेशा ऑर्डर करती हूँ उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फिटिंग का लग रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो मेरे टमी के पास भी काफ़ी ज़्यादा फिट है। बट हाँ, कुर्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे पास इस कलर का कोई सूट नहीं था, दैट्स वाई मैंने ये ऑर्डर किया है। एंड अगर दुपट्टे की बात करें तो अगेन दुपट्टा जो है आप लोग को मैंने पिंक वाला दिखाया, सेम एज पैटर्न में आपको ये दुपट्टा मिलता है। ओवरऑल में आपको कुछ इस तरह से फ्लावर्स की डिटेलिंग यहाँ पे प्रिंट आपको मिलेगा, और इसकी थोड़ी सी लेंथ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है, कुछ इस तरह से आप इसे कैरी कर सकते हो। सो बहुत ही प्यारा सा ये भी सूट है। तो बिकॉज दिवाली जो है आपकी ठंड विंटर स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें अगर आपको जिस तरह से कॉटन ब्लेंड फैब्रिक के अगर सूट पहनते हो तो आई थिंक दीज आर कंफर्टेबल, बिकॉज इतनी हमें गर्म भी नहीं होती। तो और लाइक अब यहाँ पे फेस्टिव सीजन है, आपको पार्टी वगैरह जाना, मेहंदी वगैरह के फंक्शन वगैरह में या कोई भी छोटे मोटे फंक्शन वगैरह में जाना है तो आप इस तरह के सूट कैरी कर सकते हो। तो सूट के मैं साइज़ बता दूँ, सभी के स्मॉल साइज़ हैं एंड जो अभी तक मैंने दिखाया सारे अंडर 800 रुपीज़ के थे। अब मैं सबसे लास्ट में जो मेरा फेवरेट सूट है मैं आपको वो दिखा रही हूँ, वो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये सूट आता है। पाउडर ब्लू में आपको ये सूट मिलता है, बहुत ही प्यारा सा आपको मिलेगा, ये फ्रॉक स्टाइल में आपको ये सूट मिलता है। ओवरऑल कुछ इस तरह से डिज़ाइन मिलता है। अगर और डिटेलिंग पर हम जाएंगे तो राउंड नेक मिल रहा है, देन यहाँ पे कुछ इस तरह से डॉट्स के यहाँ पे ओवरऑल कुर्ती में ना आपको प्रिंट मिलती है। देन यहाँ पे जो सिल्वर कलर या वाइट कलर के थ्रेड और सिल्वर कलर के स्टोन जो पेपर वाले स्टोन होते हैं उससे इसमें वर्क किया गया है। एम्ब्रॉयडरी जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा महीन, इसमें आप इसको इसमें डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। एक कॉटन फैब्रिक का ये सूट आता है विथ 3/4 स्लीव, स्लीव्स में भी आपको सेम एज इट इज़ डिज़ाइन मिलती है। देन अगर हम बॉटम की बात करें, बॉटम में ना आपको ये फॉयल प्रिंट कुछ इस तरह से ये देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं। बट मुझे डाउट है कि ये जो प्रिंट है वो आई थिंक एक वॉश के बाद इसके जाने के चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि जा सकते हैं, बट कोई बात नहीं। कुर्ता जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसके बाद अगर
मैं अगर मैं अब आपको इसके साथ बॉटम की बात करूँ तो कुछ इस तरह से ये बॉटम आता है जिसमें इलास्टिक फिटिंग मिलती है, काफ़ी अच्छी बॉटम में फिटिंग आती है। बट इसके साथ डिसअपॉइंट ये हो रहा है कि हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट है। इसमें आपको पॉकेट की डिटेलिंग नहीं मिल रही है, अगर यहाँ पे आपको जो दुपट्टा है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट शिफॉन के सॉफ्ट फैब्रिक में दुपट्टा आपको मिलता है। दुपट्टे में ना आपको यहाँ पर ये अगर आप देखोगे वाइट कलर के लेस की आपको बॉर्डर में दुपट्टे की डिटेलिंग आपको मिल जाती है। एंड अगर अब मैं प्राइस की बात करूँ तो ये वाला जो सूट मुझे पड़ा था वो 1049 ऐसे समथिंग का ये वाला सूट पड़ा था। सबसे कॉस्टली यही पड़ा था सूट, और बट मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद भी अगर कोई सूट आया तो वो यही सूट है। और आपको इन चारों सूट में से कौन सा पसंद आया, तो इस दिवाली में आप कौन से सूट लेने वाले हैं आप बता सकते हैं, और सभी के लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बजट वाले सूट है, इतना ज़्यादा दिवाली में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सो एंजॉय योर दिवाली, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और अभी मैं और भी बहुत सारे आपके साथ फेस्टिव से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून गाइस इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।